Hi everyone, welcome to my math channel. So my dear friends, today I am here to discuss about differential equations. JEE मेंस PYQ 2008 से 2021 में जितना क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे 1 by 1 डिस्कस करेंगे. सो आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2008 में जो क्वेश्चन पूछा था ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस इज 2008 में पूछा था द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस dy/dx इक्वल टू x प्लस y/x सच दैट y ऑफ 1 इक्वल टू 1 इज दिस. इसको अलग अलग कर लो. ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या करोगे, y/x इक्वल टू v यही पुट करते हैं बस. dy/dx इक्वल टू दिस, ठीक है, ये v एंड v कैंसिल, x dv/dx इक्वल टू 1, dv इक्वल टू dx/x. तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर लो. सो दिस y/x इक्वल टू दिस. अब यहीं पे कंडीशंस गिवन है. x इसका मतलब है x इज़ 1, y इज़ 1. जब x 1 है, y 1 है, log 1 तो 0 है, 1/1 c का वैल्यू 1 है. सो दिस इज़ y/x इक्वल टू दिस. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इक्वल टू x log x प्लस x है. क्लियर. सो दिस इज़ x log x प्लस x. सो माय डियर फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इज़ द राइट चॉइस है. नाउ अनदर क्वेश्चन. सो 2008 में क्वेश्चन पूछा था द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल विथ फिक्स रेडियस 5 यूनिट्स एंड सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल टू 2 इज 4 ऑप्शन इज देयर. 4 ऑप्शन इज देयर. देखो यहीं पे ये जो बोला है रेडियस 5 यूनिट सेंटर लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू 2 है. तो ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है. दिस इज़ द लाइन y इक्वल टू 2. सो इसका x कोऑर्डिनेट को अल्फा कंसिडर कर लिया. तो इक्वेशंस ऑफ ए सर्कल क्या होगा, रेडियस तो 5 है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 यहीं पे. सो दिस इज ये जो है, देखो यहीं पे आपको क्या करना है, आपको तो करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड करना है. तो इसको डिफरेंशिएट करो. ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस अल्फा ट्वाइस ऑफ वाई माइनस 2 इंटू वाई डैश इक्वल टू 0 है. ए 2 से डिवाइड कर दिया. तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू दिस, एक्स माइनस अल्फा का वैल्यू इस पर पुट कर दिया. अब यहीं पे एक्स माइनस अल्फा का जगह पे लिख दिया. सो यू हैव गॉट दिस रिलेशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है. ये जो डायग्राम है ये डायग्राम को आपको समझने का कोशिश करना है जिस पे सेंटर लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू 2 है. तो y कोऑर्डिनेट 2 हो गया, x कोऑर्डिनेट को अल्फा ले लिया. अब यहीं पे रेडियस गिवन है, ये लेंथ 5 है, ठीक है. सो दैट इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर. बस उसको डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किया. नाउ अभी क्वेश्चन 3 जो पूछा था. सो दिस इज ए 2009 में क्वेश्चन पूछा था द डिफरेंशियल equations which represent the family of curves y equal to this where c1 and c2 are arbitrary constant is 4 options is there. If ये 2 arbitrary constant है तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करके c1 c2 को एलिमिनेट करना है. देखो एक बार डिफरेंशिएट किया ये मिला है, ठीक है. तो y c2 हो गया और एक बार डिफरेंशिएट किया. सो c2 y डैश है, यहीं से y डैश का वैल्यू लिख दिया, ठीक है. तो c2 का वैल्यू क्या है, y डैश बाई वाई है. सो लाइक दिस. अभी क्या हो गया, देखो ये y का साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. y इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. नाउ ये 2010 में क्वेश्चन पूछा था सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस x लाइंग बिटवीन 0 से π/2 4 ऑप्शन इज देयर. ये जो 4 ऑप्शन है क्लियर कौन सा होगा. अभी ये जो फंक्शन है देखो cos x dy इक्वल टू दिस, इसको अलग अलग कर लिया. dx से डिवाइड कर दिया y sin x माइनस दिस. तो dy dx इक्वल टू cos x से डिवाइड कर दिया, ठीक है. अभी 1/y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. 1/y इक्वल टू दिस. सो ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया. जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया which is लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो if क्या होगा, e टू द पावर tan x dx. इसका tan x dx मीन्स क्या, log sec x. e टू द पावर log x x होता है, e टू द पावर log sec x दैट इज इज sec x है. तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, t इंटू sec x इक्वल टू sec x इंटू sec x x स्क्वायर x dx. इसका इंटीग्रेशंस क्या है, tan x है. अभी t क्या था, t का वैल्यू तो 1/y है. सो दैट इज sec x बाई वाई इक्वल टू tan x प्लस c. सो sec x इक्वल टू tan x प्लस c इंटू clear sec x equal to tan x plus c into y है. ये ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. नाउ देखो 2011 में क्वेश्चन पूछा था डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 3 पॉजिटिव. इसका मतलब है ax जब 0 है y का वैल्यू 2 है, देन y ऑफ लॉग 2 क्या होगा. फर्स्ट यू विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स इक्वल टू दिस. इसको इंटीग्रेट कर दिया सो दिस. अभी ये जो कंडीशंस गिवन है ये कंडीशंस को अप्लाई करो. एक्स इज 0 वाई इक्वल टू 2 है, एक्स 0 वाई इक्वल टू 2 सी इक्वल टू लॉग 5, लॉग ऑफ वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस लॉग 5. पुट एक्स इक्वल टू लॉग 2 है तो लॉग ऑफ वाई प्लस 3 इक्वल टू लॉग 10 है. अभी y प्लस 3 इक्वल टू 10 दोनों साइड से लॉग को एलिमिनेट कर दिया सो y का वैल्यू 7 है. सो माय डियर फ्रेंड्स सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. नाउ ये भी 2011 में पूछा था. देखो द कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड हैज़ द प्रॉपर्टी दैट द सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंस टू इट लाइंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय 4 ऑप्शन इज देयर. ठीक है तो इक्वेशन सब टेंजेंट्स एट x1 y1 क्या होता है ये तो आपको पता होगा. 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन y - y1 इक्वल टू दिस ये आपको पता होगा. x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y के जगह पे 0 पुट कर दो तो यहीं से x कोऑर्डिनेट मिल गया. अब यहीं पे गिवन है जो x इंटरसेप्ट यहीं पे गिवन है दैट द सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसीलिए x1 इक्वल टू दिस. अभी 2x1 - x1 सो x1 बाई डी x1 इक्वल टू दिस. अभी क्या किया ना ये जो एक्चुअली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं डी वाई डी एक्स होता है ना तो इसलिए इसको चेंज कर दिया डी एक्स बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई बाई वाई रेसिप्रोकल ले लिया. अभी यहीं पे इंटीग्रेट कर दो एल एक्स इक्वल टू जब सारे ये लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई है ना इसीलिए कॉन्स्टेंट को भी लॉग का फॉर्म में लेना है लॉग सी माइनस लॉग वाई. सो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एल एन सी है. अभी जब देखो एक्स वाई इक्वल टू सी यहीं पे जो कंडीशंस गिवन है क्लियर एक्स इज 2 वाई इक्वल टू 3 एक्स इज 2 वाई इक्वल टू 3 सी का वैल्यू इस पर पुट कर दिया 6 है तो एक्स वाई इक्वल टू 6 तो वाई का वैल्यू क्या है एक्स वाई इक्वल टू 6 हो गया. तो सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. ये आपको समझने का कोशिश करना है. इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है. अभी देखो 2011 में ये क्वेश्चन पूछा था कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशंस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0 इफ x इज 1 y इक्वल टू 1 देन x का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. तो वाई स्क्वायर डी एक्स क्लियर सो दिस इज इक्वल टू दिस. अभी वाई स्क्वायर डी वाई से डिवाइड कर दिया इसको देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया जब वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे. अभी ए 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्लियर इसका जो आई एफ है एक्स का जो कोफिशिएंट है वो होगा ई टू दी पावर माइनस 1 बाई वाई. तो इसका सोल्यूशंस क्या होगा एक्स इंटू दिस इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 बाई वाई क्यू है. अभी इसको इंटीग्रेट करना है. देखो इसको मैंने ब्रेक कर दिया माइनस 1 बाई वाई एंड 1 बाई वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टी. सो डी वाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी है तो माइनस टी ई टू दी पावर टी डी टी इसका इंटीग्रेशन रट के रखना. ठीक है इंटीग्रेशन सब टी ई टू दी पावर टी डी टी रट के रखोगे टी माइनस 1 ई टू दी पावर टी प्लस सी है. ठीक है सो यही मैंने लिख दिया इस वैल्यू लिख दिया. सो दिस सो माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे एक्स एक्स इक्वल टू क्या है ना 1 प्लस 1 बाई वाई माइनस ई टू दी पावर 1 बाई वाई बाई सो दिस इज बाई ई है. तो यहीं पे आपका जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस देखो क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वाई. ठीक है तो ये जो वैल्यू है सो दिस डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. नाउ इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है 2012 में द पॉपुलेशन पी टी एट टाइम टी ऑफ ए सर्टेन. ठीक है ऑफ ए सर्टेन माउज स्पेसेस सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन डी पी डी टी इक्वल टू दिस ए पी ऑफ 0 इक्वल टू 850 देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम्स 0 है. ये 4 ऑप्शन इज देयर. आपको यहीं पे इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ये जो है सो डी पी डी टी इज इक्वल टू दिस. ठीक है अभी ये क्या होगा देखो 0.5 मीन्स का 1 बाई 2 है एलसीएम ले लिया सो लाइक दिस. अभी डी पी बाई डी इक्वल टू डी टी बाई टू है, इसको इंटीग्रेट करो लॉग ऑफ पी माइनस 900 इक्वल टू टी बाई टू प्लस सी है। अभी क्वेश्चन गिवन है जब टी जीरो पी का वैल्यू दिस, टी जब जीरो पी का वैल्यू दिस, सी का वैल्यू लॉग 50 है, लॉग ऑफ पी माइनस 900 इज इक्वल टू दिस। क्लियर? सो लॉग ऑफ पी माइनस 900 बाई 50 इक्वल टू दिस, सो टी का वैल्यू यहीं से मिल जाएगा 2 log सो दिस। अभी यहीं पे क्वेश्चन गिवन है क्लियर, पॉपुलेशंस बिकम्स जीरो जब p का वैल्यू जीरो होगा, सो दैट इज़ 900 बाई 50, सो दैट इज इज वेट, सो दिस इज 2 log 18 है। सो माय डियर फ्रेंड्स बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली ज़्यादा पूछा जाता है। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आसान है, ये थोड़ा लैंग्वेज देखकर बच्चे लोग डर जाते हैं, ऐसे समझने का कोशिश करो, यू कैन डू इट इजिली। नाउ अभी ये क्वेश्चन पूछा था, देखो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था, एट प्रेजेंट अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग 2000 आइटम्स, इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन पी विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स इज गिवन बाय दिस, इफ द एम्प्लॉइज 25 मोर वर्कर्स देन द न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम इज क्या होगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसको सॉल्व करो, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज डी पी एंड सो दिस इज डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया पी 100x और ये क्या हो गया, सो दिस इज, ठीक है। एक रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू पर 3/2 2/3 इंटू एक्स टू पर 3/2। अब यहीं पे जो जो कंडीशंस गिवन है, पुट एक्स इक्वल टू 0 पी इक्वल टू 2000, सो दिस सी का वैल्यू 0 है, सो सी का वैल्यू 0 है। अभी एम्प्लॉय 25 मोर वर्कर्स, सो जब एक्स इज 25 है तो उस टाइम क्लियर प्रोडक्शंस क्या होगा फाइंड करना है। प्रोडक्शंस क्या होगा, एक्स का जगह पे 25 लिख दो, सो दैट इज व्हाट 3500 है। मेन जो है इसे इंटीग्रेट करना है और यहीं पे वैल्यू पुट कर देना है यहीं पे, सो दैट इज व्हाट, यहीं पे जो कंडीशंस गिवन है प्रोडक्शंस 2000 है, ठीक है। एंड सो दिस इज, ये जो x है, x को आप क्या कंसिडर कर लोगे, जब जीरो है तो उस टाइम कांस्टेंट भी 2000 हो गया, बस और कुछ नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली ज़्यादा पूछा जाता है, आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना। ये 2014 का है, लेट द पॉपुलेशंस ऑफ रैबिट्स सर्वाइविंग एट ए टाइम t be governed by the differential equations did, if x जब 0 so t जब 0 p का वैल्यू 100 then pt क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है क्लियर, इसको देखो यहीं पे, सो दिस इज डी टी बाई 2 है, सो दिस, और ये ऑब्वियसली यू कैन डू इट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन है, अभी t जब 0 p का वैल्यू यहीं पे, t जब 0 p का वैल्यू 100 है तो c का वैल्यू दिस, अभी c का वैल्यू यहीं पे पुट कर दिया लॉग, सो दिस इक्वल टू टी बाई 2 है, सो दैट मीन्स क्या, जो लॉग को एलिमिनेट करोगे, सो ये, सो दिस इज व्हाट प्लस माइनस ई टू की पर टी बाई 2, सो दैट इज पी इक्वल टू 400 प्लस माइनस ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर, यहीं पे देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 400 को ट्रांसपोज कर दिया। अभी क्या करोगे, सो दिस इज, यहीं पे पॉजिटिव से तो कुछ भी नहीं है, जो नेगेटिव से है 400 माइनस दिस, सो ये ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। ये सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था, लेट वाई एक्स बी द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ दिस, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 देन वाई ऑफ ई, 4 ऑप्शन इज देयर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है x log x से डिवाइड कर दो, सो दिस ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो आई एफ क्या होगा, y का जो कोफिशिएंट है, सो दिस log x इक्वल टू टी ई टू दी पावर log टी, ई टू दी पावर log x x होता है, ई टू दी पावर log टी टी, सो दैट इज इक्वल टू log x है। हेंस द सॉल्यूशंस क्या होगा ना, y इंटू log x इक्वल टू दिस, log x का इंटीग्रेशन भी रट के रखिएगा, x log x माइनस एक्स प्लस दिस, यहीं पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो दिस इज टी इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू दिस, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स है। क्लियर, अभी जब एक्स इज 1, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो सी का वैल्यू 0 है लॉग 1, सो जब एक्स इज 1, ठीक है, सो दिस इज लॉग 1, एक्स लॉग 1 तो 0 है, क्लियर। एंड सो दिस इज व्हाट, यहीं पे देखो लॉग 1, सो दैट इज 0, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 1, सो दैट इज व्हाट, यहीं पे क्या है देखो लॉग 1 तो 0 है, सो दिस इज ए पार्ट 0 हो गया, सो दैट इज सी का वैल्यू यहीं पे क्या होगा, सी, सो दिस इज c का वैल्यू 2 है. सो दिस इज y log x इक्वल टू, सो दैट इज व्हाट, सो ये तो 2 है. ठीक है, जब x इज e है, log e तो 1 है, log e 1, सो y इक्वल टू क्या होगा देखो, सो दैट इज व्हाट, y इक्वल टू, सो दैट इज 2 है. ये ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. ठीक है, यहीं पे y का जो वैल्यू है, सो दैट इज 2 है. नाउ देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा था, इफ ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट दिस सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस देन एफ ऑफ माइनस हाफ. क्लियर, इसका मतलब है जब x का वैल्यू माइनस हाफ है, y का वैल्यू क्या होगा. सो दिस अभी इसको ओपन कर दिया, सो ये रिलेशंस मिल गया. ठीक है, ये सब समझना है. ये एक्चुअली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है जो जेईई मेन एग्जाम में नहीं पढ़ाते हैं. क्लियर, वो एक्स डी एक्स माइनस वाई, देखो इसको डिफरेंशिएट करो, ये तुम्हें मिल जाएगा. अभी इसको इंटीग्रेट करो, ये लिखोगे, एंड सो दिस इज सी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है. इसका मतलब है एक्स इज़ 1 वाई इज़ माइनस 1, एक्स इज़ 1 वाई इज़ माइनस 1, सी का वैल्यू माइनस हाफ है. ठीक है, तो इस पर पुट कर दो, सी का वैल्यू माइनस हाफ है. अभी x का वैल्यू जब माइनस हाफ है, x जब माइनस हाफ है, y का वैल्यू क्या है, माइनस 4/5 है. ये ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. इसे आपको समझने का कोशिश करना चाहिए. नाउ देखो 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था, इफ 2 प्लस साइन एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई जीरो इक्वल टू 1 देन वाई ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो दिस इज, ये जो इंटीग्रेशन है, y का टर्म को डी वाई का साथ लिख दिया, x का टर्म को डी एक्स का साथ लिख दिया. ये क्या है, log ऑफ y प्लस 1, यहीं पे यू कैन राइट c माइनस log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स है. अभी ये जो कंडीशंस गिवन है, x जब 0 y का वैल्यू 1 है, पुट कर दिया, तो यहीं पे x y का वैल्यू 1 log 2 हो गया, x जब 0 sin 0 0 ये भी log 2 है, तो c का वैल्यू log 4 हो गया. c का वैल्यू जब log 4 हो गया, देखो log ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू दिस, सो दिस इज, दोनों साइड से log को एलिमिनेट कर दिया, सो y प्लस 1 इक्वल टू 4/2 साइन एक्स. अभी x का वैल्यू जब पाई बाई 2 है, तो y का वैल्यू क्या है, 1/3 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. नाउ देखो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, इसे आपको समझने का कोशिश करो, y इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू y ऑफ पाई बाई 6. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. तो y का जो कोफिशिएंट है, ये आई एफ में होगा, ई टू दी पावर कॉट एक्स डी एक्स. कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग साइन एक्स, ई टू दी पावर लॉग एक्स. ये फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, ई टू दी पावर लॉग एक्स का मतलब है x है, सो दिस इज साइन एक्स है. तो सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 4x कोसेक एक्स साइन एक्स, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, इसका इंटीग्रेट कर दो, 2x². अभी ये जो कंडीशन गिवन है, जब x इज पाई बाई 2 y इक्वल टू 0 है, x इज पाई बाई 2 y इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू दिस, तो y साइन एक्स इक्वल टू दिस. अभी x का वैल्यू जब पाई बाई 6 है, x का जगह पे पाई बाई 6 पुट कर दिया, सो दैट इज क्लियर, साइन पाई बाई 6 तो हाफ है, सो दिस ए वैल्यू, सो y इक्वल टू -8π² बाई 9 है. क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. नाउ देखो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था, इफ y इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस सेटिस्फाइंग y ऑफ 1 इक्वल टू 1 y ऑफ हाफ क्या होगा. देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट को 1 कर दिया, ये क्या होगा, आई एफ ई टू दी पावर दिस 2 log x x² है. सोल्यूशंस क्या होगा, y इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसको इंटीग्रेट कर दो. ठीक है, इसको जब इंटीग्रेट किया, x 4/4 प्लस सी है, तो सो दिस. अभी यहीं पे जो कंडीशंस गिवन है, x जब 1 y इज़ 1, x जब 1 y इज़ 1 देन c का वैल्यू 3/4 है. इस पर पुट कर दिया, सो दिस 3/4 है. अभी जब x का वैल्यू हाफ है, y का वैल्यू क्या फाइंड करना है, तो y का वैल्यू 49/16 है. इस पे x का जगह पे हाफ पुट कर दिया. ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशंस करो, 49/16 है, 49/16 सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. देखो 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेट ए बी ए फंक्शंस फ्रॉम 0 to 1 टू आर बी सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई दिस एफ ऑफ 0 इज नॉन जीरो y equal to fx satisfies the differential equations this y0 equal to 1 देन इसका वैल्यू क्या होगा. ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसे समझने का कोशिश करो. ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो सकता है. dy/dx equal to fx इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, क्लियर. यहीं पे देखो एक्चुअली fx का वैल्यू क्या होगा. ये था x इक्वल टू 0 पुट कर दिया. सिंस f ऑफ 0 इज नॉन जीरो, देखो ये कैंसिल हो गया, तो f ऑफ y इक्वल टू 1. f ऑफ y मीन्स y के जगह पे x से रिप्लेस कर तो एफ एक्स इक्वल टू 1. कॉन्स्टेंट फंक्शंस हो गया, सो y इक्वल टू एक्स प्लस सी है. इसे आपको समझने का कोशिश करना है, ठीक है. अभी क्या है देखो, यहीं पे जो कंडीशंस गिवन है, सो दिस इज x जब 0 y का वैल्यू 1 है, x जब 0 y का वैल्यू 1, c का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है. सो c इज़ 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1. अभी x जब 1/4, इस पे x इज़ 3/4. अब वैल्यू को पुट करो, x का जगह पे 1/4 एक बार पुट करो, 3/4 पुट करो, सो दैट इज 3 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज़ द राइट चॉइस है. ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन को आप लोगों को समझने का कोशिश करना चाहिए. ये भी 2019 में पूछा था, ठीक है. dy/dx प्लस 3y कॉस पर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है. जब x इज π/4, y का वैल्यू 4/3. जब x इज -π/4, y का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. dy/dx दिस देखो ये क्या है, ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है. y का जो कोफिशिएंट्स है, e टू द पावर दिस, if इक्वल टू दिस, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स है. सॉल्यूशंस क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी है. अभी देखो यहीं पे ए फंक्शंस मिला है, तो 3 tan x इक्वल टू टी पुट कर दो, कि गुना tan x का डेरिवेटिव तो सेक्स स्क्वायर एक्स है. सो ई टू द पावर t/3 अभी वैल्यू पुट कर दिया, सो यू हैव गॉट सो दिस, ठीक है. अभी t का जगह पे tan x पुट कर दिया, सो लाइक दिस. y इक्वल टू अभी इससे डिवाइड कर दिया, सो दिस. अभी ये जो कंडीशंस गिवन है, x इज π/4, y इज 4/3. इसे लिखो, x इज π/4, y इक्वल टू 4/3, c का वैल्यू e टू द पावर 3 है, तो y इक्वल टू 1/3 दिस. अभी जब x का वैल्यू -π/4 है, सो दिस इज देखो ये 3 + 3 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 1/3 प्लस ए टू दी पावर 6, ठीक है. तो y इक्वल टू 1/3 प्लस ए टू दी पावर 6. ये ऑप्शन से इसका राइट चॉइस है, ये आपको समझने का कोशिश करना है. अभी देखो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. The curve amongst the family of curves represented by the differential equations this which passes through this point. 4 options is there. ये जो differential equations है, ये homogeneous differential equations है. होमोजीनियस इक्वेशंस में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो इसको सेपरेट कर दो. हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, और सेपरेट कर दिया तो ये मिल गया. सो दिस इज सेपरेट करने के बाद y/x इक्वल टू भी dy/dx इक्वल टू दिस. इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये सब्स्टिट्यूट हर एक फंक्शंस के लिए करते हैं. सो दिस अभी ये भी को इधर ट्रांसपोज कर लिया, सो इसको सिंप्लीफाई किया, अभी इसको इंटीग्रेट कर दिया. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी बाई एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स है. यहीं पे देखो कंडीशंस गिवन है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 1 से पास हो रहा है, तो एक्स इज़ 1, वाई इज़ 1, सी का वैल्यू 2 है. सो दिस अभी इसको सर्किल का फॉर्म में लिख लिया, एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे देखो सर्किल विद सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस. सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस मीन्स क्या, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है. सो दिस इज देखो वाई को क्लियर. सो इसका जो सेंटर क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिस है, देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 है. सो ऑब्वियसली यू कैन से आर सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस का ऊपर है, ठीक है. यहीं पे क्या था, वाई एक्सिस. जैसे सपोज एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता तो वाई एक्सिस होता. सो लाइक दिस. नाउ 19 में क्वेश्चन पूछा था, 2019 द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस व्हेन y इक्वल टू 1. ये एक्चुअली रिड्यूसेबल्स टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. x - y इक्वल टू t पुट करो, सो दिस, ठीक है, क्लियर. अभी क्या करोगे, देखो यहीं पे dy/dx का वैल्यू को लिख दिया. सो दिस इज ए ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम होगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ t -1 बाई टी प्लस 1 वैल्यू को पुट कर दिया, x - y इक्वल टू टी. अभी ये जो देखो इसका क्या मतलब है ना, जब x इज़ 1 y इज़ 1 है, ठीक है, तो ये वैल्यू c का वैल्यू 1 हो गया, ठीक. जब c 1 हो गया, ठीक, सो दिस इज देखो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया ना, तो c इक्वल टू 1 है. अभी वैल्यू को पुट कर दिया, सो लॉग ऑफ दिस ट्वाइस ऑफ दिस. अभी इसी फॉर्म में देखो ये आंसर है, सो दैट इज बी है. आपको ये सब समझना पड़ेगा, देखो इस फॉर्म में ये आंसर है ना, सो दिस इज. अभी ये जो क्वेश्चन है देखो, इफ़ वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, दिस ए 2019 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन इज देयर। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है, देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो इसका आई एफ फाइंड करो। इसको सेपरेट कर दिया 2x एंड log x, e टू दी पावर 2x इंटू लॉग एक्स, e टू दी पावर लॉग एक्स तो x है, तो x इंटू e टू दी पावर 2x है, ये तो हो गया। अभी इससे सोल्यूशंस क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू, क्यू क्या है, दिस इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी है, ठीक है, क्लियर। सो माई रेफरेंस यहीं पे क्या है देखो, ए टू दी पावर माइनस 2x था, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, x dx। अभी इसको इंटीग्रेट कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 सो प्लस सी है। अभी यहीं पे जो जो कंडीशंस गिवन है, x इज़ 1 y इक्वल टू दिस, x इज़ 1 y इक्वल टू दिस, तो c का वैल्यू 0 हो गया। c का वैल्यू जब 0 है तो तुम्हारा ये इक्वेशन से मिल गया, तो y का वैल्यू ये मिल गया, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चन है क्या है, देन 4 ऑप्शन इज देयर। जब ए फंक्शंस होगा, सो यहीं पे क्या है देखो, इट इज़ डिक्रीजिंग इन, क्लियर, सो दिस इज 1/2 / 1 है। मैंने ये भी कोशिश किया था, देखो वाई ऑफ लॉग 2, लॉग 2 का वैल्यू ये मिला है, ऐसा तो कोई भी ऑप्शंस नहीं है। यहीं पे 1a था, थोड़ा बहुत मिल रहा था, लेकिन 1/8 नहीं है, तो इसीलिए ये जो फंक्शंस है देखो, इसको डिफरेंशिएट करो तो इट इज़ डिक्रीजिंग इन 1/2 / 1 होगा, ठीक है, क्लियर। ये आपको समझने का कोशिश करना चाहिए। नाउ आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इज 2019 में क्वेश्चन पूछा था, सो दिस इज y इक्वल टू वाई एक्स विद द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 1, इफ ट्वाइस ऑफ y2 इज लॉग 4 माइनस 1 देन y ऑफ e क्या होगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, तो इसका आई एफ क्या होगा, e टू दी पावर dx बाई एक्स, ठीक है, y का जो कोफिशिएंट है log x, सो दैट इज x। Hence the solutions is y into if equal to q into if dx plus c, so log x, देखो इसको x log x का इंटीग्रेट करो, सो तुम्हें ये मिलेगा। अभी ये जो कंडीशंस गिवन है, x जब 2 है, y का वैल्यू log 4 माइनस 1/2 है, सो ये वैल्यू को पुट किया, सो दैट इज c का वैल्यू 0 है, सो दिस इज एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है, पुट x इक्वल टू e है, ठीक है। जब x का वैल्यू e है, सो दिस इज x का वैल्यू जब e है, सो y इक्वल टू ई बाई 2 माइनस ई बाई 4, सो दैट इज ई बाई 4। यहीं पे x का जगह देखो log e तो 1 है, ठीक है, तो ई स्क्वायर बाई 2 और माइनस ई स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। एक से पहले डिवाइड कर दिया, सो दिस इज ई बाई 2 माइनस ई बाई 4 है, सो दैट इज ई बाई 4। सो माय डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। नाउ इफ ए कर्व पासेस थ्रू 1 - 2 एंड हैज स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट एज दिस, देन द कर्व ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट है, सो डी वाई डी एक्स इक्वल टू दिस, डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, आई एफ इक्वल टू दिस ई टू दी पावर एक्स। हेंस द सोल्यूशन इज वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस दिस, पुट एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -2, तो सी का वैल्यू -2e, सो दिस, ठीक है, इस पे पुट कर दिया। अभी क्या करना है देखो, यहीं पे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, देखो जब x का वैल्यू 1 है, x जब 1 है ये तो 0 हो गया, ठीक है, सो दिस इज वाई, सो दैट इज वाई का वैल्यू -2 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। x इज 1, y इज -2, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। यहीं पे देखो क्लियर, सो लाइक दिस, x जब 1 है ए पार्ट तो 0 हो गया, तो y इंटू ई कैंसिल हो गया, सो दिस इज y इंटू ई इक्वल टू -2 ई कैंसिल, तो y का वैल्यू -2 है, ए पॉइंट यहीं पे सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, y इक्वल टू वाई एक्स विद द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस दिस, क्लियर। एक्चुअली क्या है देखो, इससे डिवाइड कर दो, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपको मिल गया, ठीक है, क्लियर। सो इसका जो सोल्यूशन हम लोग क्या लिखते हैं, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी है, देखो ये पावर कैंसिल हो गया, तो ये tan इनवर्स x प्लस दिस। अब यहीं पे ये जो कंडीशंस गिवन है, इसका मतलब है जब x 0 y 0, पुट x इज 0 y इज 0, c का वैल्यू 0 है, y इंटू दिस, सो दैट इज, अभी फिर क्या है तो मैं y ऑफ a कंडीशंस को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज x जब 1 है y इक्वल टू दिस, तो ये वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये का वैल्यू 1/16 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। ये जो कंडीशंस है इसका मतलब क्या, x जब 1 है y का वैल्यू π/32√a, y का वैल्यू π/32√a इक्वल टू दिस वैल्यू पुट कर दिया, तो a का वैल्यू 1/16 है। देखो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स टू ए कर्व y इक्वल टू yx एट एनी पॉइंट xy इज दिस, इफ द कर्व पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस, देन इट्स इक्वेशंस क्या होगा। तो ये जो स्लोप जो है क्लियर dy/dx इक्वल टू दिस, इसको इंटीग्रेट कर लो, हाफ लॉग y इक्वल टू c - 1/x। अभी यहीं पे क्या है, देखो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो क्लियर इसका सेंटर क्या है, इसका कोफिशिएंट आधा कर लो, इसका कोफिशिएंट आधा कर लो, 1 1 है, तो इसीलिए x इज़ 1 y इज़ 1, c का वैल्यू 1 है, उसकी भी वैल्यू पुट कर दिया। सो x log y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, देखो यहीं पे क्या होगा, x से मल्टीप्लाई कर दिया, x log y इक्वल टू 2 × x - 1 है, x log y इक्वल टू 2 × x - 1। ये ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। Now, अभी क्या है, ये भी 2019 का है। द सोल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू x स्क्वायर, x इज नॉन जीरो विद क्लियर x, जब x इज 1 y इक्वल टू 1 इज क्या होगा। देखो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। y का जो कोफिशिएंट्स है if इक्वल टू e⁴ 2/x dx, ठीक है क्लियर, 2 log x, सो दैट इज x स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर। अभी क्या करोगे ना, सो दिस इज ए जो सोल्यूशंस है वो y × if इक्वल टू q × if, यहीं पे a क्या है, a q है। सो दिस इज, इसको इंटीग्रेट करो, x इज 1 y इज 1, c इक्वल टू 3/4, y × x² इक्वल टू दिस x² / 4 प्लस 3/4 x²। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या है, देखो d ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। अभी इफ cos x dy/dx माइनस y sin x इक्वल टू 6x, 0 से π/2, y ऑफ π/3 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू π/6, ठीक है। सो cos x dy/dx इक्वल टू sin x प्लस 6x, dy/dx इक्वल टू tan x इंटू वाई प्लस दिस, dy/dx माइनस, ठीक है, tan x इंटू वाई इक्वल टू 6x sec x, if इक्वल टू दिस e⁻लॉग cos x, सो दैट इज दिस cos x। Hence the solution is y × if equal to this, a तो दोनों तो कैंसिल हो गया, 6x dx, so that is 3x² plus c है। अब ये जो कंडीशंस गिवन है, x जब π/3, y का वैल्यू 0 है, पुट x इज π/3 है, y का वैल्यू 0, c का वैल्यू मिल गया, तो इस पे c का वैल्यू को पुट कर दिया। सो दिस, अभी फिर पूछ रहा है जब x π/6, y का वैल्यू क्या होगा, x जब π/6 cos π/6 √/3 है, वैल्यू पुट कर दिया, इसे कैलकुलेट किया तो x का वैल्यू दिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, c ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ये आपको समझना पड़ेगा। नाउ 2019, इफ y इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू 10x माइनस y इंटू sec² x बिलोंग्स टू दिस, सच दैट y ऑफ 0 इक्वल टू 0, देन y ऑफ माइनस π/4, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू 10x इंटू sec² x माइनस y sec² x, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, e⁻²x dx e⁻10x। अभी इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, y × if इक्वल टू q × if dx प्लस c है, y × e⁻10x इक्वल टू दिस, t इक्वल टू 10x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t - 1 e⁻t प्लस c है, y × e⁻10x इक्वल टू दिस, e⁻10x से डिवाइड कर दो। अभी ये जो कंडीशंस गिवन है, x जब 0 है, y का वैल्यू 0 है, ठीक है, x जब 0 y का वैल्यू 0, इस पे पुट किया, x जब 0 y इज 0, तो c का वैल्यू 1 है, सो c का वैल्यू 1 इस पे पुट कर दिया, सो दिस, ठीक है, इस पे पुट कर दिया, सो 10x - 1 दिस। अभी क्या है, देखो जब x - π/4 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, सो दैट इज व्हाट, 10 π/4 माइनस π/4, तो के माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, सो दैट इज e - 2 है। सो c ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। मेन ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसी टाइप का ये जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेट देखो ये भी 2019 में पूछा था, y इक्वल टू yx be the solutions of the differential equations this such that y of 0 equal to this, then 4 options is there. अभी क्या करोगे, देखो इसको सॉल्व करो, e to the power 10x log sec x that is sec x. सोल्यूशंस क्या हुआ, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू, दिस इज क्यू, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी है, यू कैन राइट, सो दिस इज प्लस सी है, ठीक है. सो हियर देखो ये फंक्शंस है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया. अभी देखो इसका डेरिवेटिव ये हो रहा है तो क्लियर, तो इसका इंटीग्रेशंस क्या होगा, इसका जब इंटीग्रेशंस मीन्स क्या, आप क्या करोगे सिंपली एक्स स्क्वायर सेक एक्स लिख दोगे, ठीक है. अभी यहीं पे जो कंडीशंस गिवन है, एक्स जब जीरो है, वाई का वैल्यू वन है, पुट एक्स इज जीरो, वाई इक्वल टू वन, सी का वैल्यू वन, वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, तो वाई डैश इक्वल टू टू एक्स माइनस साइन एक्स है. अभी जब y ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू फाइंड कर लिया, y ऑफ माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू फाइंड किया, y डैश पाई बाई 4, y डैश माइनस पाई बाई 4 वैल्यू फाइंड किया. अब यहीं पे एक रिलेशंस है, y डैश पाई बाई 4, y डैश माइनस पाई बाई 4 का डिफरेंस, तो पाई माइनस रूट टू है. सो पी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है. मेन आपको ये फंक्शंस फाइंड करना है, ये फंक्शंस आपको फाइंड करना है बस, क्लियर. उसो दैट मीन्स ये फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा. ये भी देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा था, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस, इफ़ वाई ऑफ वन इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू टू है. इसको सॉल्व करो, वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस दिस, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, क्लियर. सो द सेम इज वन, अभी वही x इंटू आई एफ, यहीं पर डी एक्स डी वाई है ना, तो x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू ए क्यू है दिस. अभी इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है. मैंने इसको ऐसा करके फॉर्म में लिख लिया. अभी t इक्वल टू माइनस वन बाई वाई है, सो दिस ये फंक्शंस मिल गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है. सो दैट इज x इंटू दिस इक्वल टू, अभी t का वैल्यू तो क्या है माइनस वन बाई वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया इसीलिए प्लस है, तो x का वैल्यू क्या होगा ये होगा. अभी यहीं पे जब x इज़ वन वाई इज़ वन, x इज़ वन वाई इज़ वन, तो c का वैल्यू माइनस वन बाई ये, अभी c का वैल्यू यहीं पे पुट कर दिया, सो दिस. अभी जब y का वैल्यू टू है, y का वैल्यू टू लिखो, हाफ प्लस वन थ्री बाई टू, सो दिस. तो हमें क्या मिला, थ्री बाई टू माइनस वन बाई रूट ई, सो डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है. जस्ट सिंपल आपको सब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक. एंड सो दिस इज, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी 2019 में पूछा था, द जनरल सोल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इज दिस. इसका जनरल सोल्यूशंस क्या होगा, इसको आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू दिस. ये भी मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस कर दिया, वाई स्क्वायर ठीक है इक्वल टू भी टू वाई डी वाई डी एक्स डी वी डी हाफ डी वी डी एक्स, देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में इसका आई एफ क्या होगा ना, वन बाई एक्स स्क्वायर, सो वी इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक है. क्यू क्या है दिस इंटू डी एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर, सो दैट इज. अभी क्या है देखो वी इक्वल टू, सो दैट इज लैम्बडा माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है. अभी सो दैट इज व्हाट माइनस, सो लैम्बडा माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. अभी क्या है देखो ए टू माइनस टू एक्स क्यूब को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब, लैम्बडा एक्स स्क्वायर को माइनस लैम्बडा एक्स स्क्वायर को माइनस सी इक्वल टू माइनस लैम्बडा कंसिडर कर दिया, बस देखो उस फॉर्म में आपको आंसर आ गया. सो दिस इज ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा बस, और आपको कुछ नहीं करना. नाउ देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा था, लेट y इक्वल टू वाई एक्स एफ एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस. x जब जीरो है, y का वैल्यू जीरो, जब x इज वन, y का वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड करना है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू दिस सिंपल इंटीग्रेट कर लो और कुछ नहीं. यहीं पे जो कंडीशन गिवन है इसका मतलब है x इज जीरो, वाई इज जीरो, तो c का वैल्यू माइनस वन, सो दिस. अभी x का वैल्यू जब वन है तो y इक्वल टू क्या हो गया ना, e हो गया. सो माय डियर फ्रेंड्स y का वैल्यू सो दैट इज e है, ठीक है, क्लियर. यहीं पे y इक्वल टू सो दिस, यहीं पे कोई भी ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इस पे कुछ डेटा पे मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन इज द राइट चॉइस. अभी क्या है देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा था y इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग y ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिस कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट हुज एब्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। सो दिस इज देखो ये dx dy इक्वल टू दिस, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया। अभी e टू द पावर dy इक्वल टू e टू द पावर y है, हेंस द सोल्यूशन इज x इंटू आई एफ इक्वल टू दिस, इसको इंटीग्रेट किया। सो लाइक दिस अभी x जब जीरो है y इक्वल टू 1 है, इस पर पुट किया x जब जीरो y इज़ 1, सो c का वैल्यू माइनस ई है, इस पर पुट कर दिया। अभी y का जगह पे यहीं पे क्या बोल रहा है देखो दिस कर्व इंटरसेक्ट है x एक्सिस, तो y का वैल्यू तो जीरो हो गया, पुट y इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 माइनस ई है। सो माय डियर फ्रेंड्स ई ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। नाउ ये भी ए 2020 में क्वेश्चन पूछा था y इक्वल टू वाई एक्स बी ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस मॉड एक्स इज लेस दैन 1 इफ y ऑफ हाफ इक्वल टू रूट 3/2 वाई ऑफ माइनस 1/√2 क्या होगा। सो दिस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x, इसको इंटीग्रेट जब करोगे तुम्हें यही मिलेगा, ठीक है। सो दिस अभी जब x इज हाफ है, यहीं पे x इज हाफ y इज रूट 3/2 है, क्लियर। तो c का वैल्यू π/2। सो दिस अभी y इज माइनस, सो दिस इज x इज y नहीं, यहीं पे x x इज माइनस 1/√2 है, क्लियर। साइन इनवर्स, सो y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। यहीं पे x जब माइनस 1/√2 है, सो दिस इज y का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। सो दिस इज x इज, यहीं पे x का जगह पे मैंने लिख लिया माइनस दिस ए वाई होगा। सो दिस इज, तो y का वैल्यू क्या है ना 1/√2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है। बस ये सिंपल इंटीग्रेशन से वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। इसका मतलब है x का वैल्यू माइनस 1/√2, तो y का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अभी ये भी 2020 का क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व दिस, यहीं पे क्या एक वेरिएबल्स है, एक बार डिफरेंशिएट करके b को एलिमिनेट करना है, ये है रूल। सो दिस इज एक बार डिफरेंशिएट किया तो b का वैल्यू फाइंड कर लिया। अभी b का वैल्यू इस इक्वेशंस में पुट कर दो, जब इस इक्वेशंस में पुट किया हमें रिलेशंस मिला है। सो दिस, सो माय डियर फ्रेंड्स सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तुम्हें यहीं पे, क्लियर। इसको जब ब्रेक किया 4b y प्लस 4b², b और b² अलग वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है। जब एक वेरिएबल है एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी क्या है देखो ये 2020 का क्वेश्चन है इफ फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस x जब 2 है y का वैल्यू 0, देन जब x इज 3 y का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, क्लियर। सो दिस इज ये ऐसा मिला है, तो dy/dx इसको डिवाइड कर दिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया, देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्म में रिड्यूस हो गया। जब लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में सो e टू दी पावर दिस, सो 1/x + 1 y इंटू आई एफ इक्वल टू q, q तो दिस, ठीक है, दिस इज q है, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी है। सो दिस इज x कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन दिस, इसका इंटीग्रेशन 3/x + 1 प्लस सी है। अब ये जो कंडीशन गिवन है x जब 2 y का वैल्यू 0 है, तो c का वैल्यू -3, सो दिस, ठीक है। अभी पुट x इक्वल टू 3 है, x का वैल्यू जब 3 है, सो दिस इज y का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 3 है, तो y3 का वैल्यू क्या है ना, सो दैट इज 3 है। इसे आप समझने का कोशिश करना। अभी क्या 2020 में पूछा था dy/dx इक्वल टू xy बाई दिस y ऑफ 1 इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, ठीक है, क्लियर। इसका क्या मतलब है ना, इसका मतलब है y ऑफ x इक्वल टू ई है, ठीक है, इज क्या होगा x का वैल्यू, यहीं पे जब y का वैल्यू e है तो x का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड करना है, ठीक है, y/x इक्वल टू भी ये पुट करना है, बस इसको सिंपल कैलकुलेट, फिर इसको अलग अलग किया, इसको अलग अलग किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, सो ये रिलेशंस मिल गया। v मीन्स क्या y/x है ना, ठीक है, तो ये जो टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस अभी यहीं पे जो कंडीशंस गिवन था, क्या इसका जो कंडीशंस, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू जब 1 है वाई का वैल्यू 1, एक्स जब 1 है वाई 1, तो सी का वैल्यू -1/2 है, log ऑफ वाई माइनस दिस इक्वल टू -1/2। अभी क्या है, जब एक्स का वैल्यू, ठीक है, जब वाई का वैल्यू ई, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू √3e है। सो द सी इज व्हाट, ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस। नाउ 2020 में क्या है, इफ ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2 इज द सोल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस एफ ऑफ दिस। सो ये जो फंक्शंस है, देखो ए फंक्शंस को इंटीग्रेट, क्लियर, इसको क्या, सो दिस इज लीनियर, ए क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों का डिग्री सेम है ना, होमोजीनियस फॉर्म में y/x इक्वल टू v, ठीक है, तो v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू दिस, v एंड v कैंसिल है, तो ये आपका फॉर्म आ गया 2dv/v स्क्वायर इक्वल टू दिस -2/v c प्लस log x -2x/y इक्वल टू c log x। अभी x का वैल्यू जब 1 है y का वैल्यू 2 है, x जब 1 y का वैल्यू 2, c इक्वल टू -1। सो दिस अभी पुट x का वैल्यू जब 1/2 है, x जब 1/2 है तो y का वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस log 2 है। सो दिस इज ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है, क्लियर। अभी देखो ये क्वेश्चन 19 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा है, y इक्वल टू वाई एक्स विद द सोल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y पाई इक्वल टू a, dy/dx एट x इक्वल टू पाई इज b, देन द ऑर्डर पेयर ए बी क्या होगा, ठीक है। सो dy/this इसको इंटीग्रेट कर लो, सो देखो तुम्हें ये फॉर्म मिल गया। अभी ये जो कंडीशंस गिवन है, x जब 0 y का वैल्यू 1 है तो c का, क्लियर, x जब 0 y का वैल्यू जब 1 है, c का वैल्यू 4 है, तो ये इक्वेशंस मिला है, ठीक है, क्लियर। देखो जब x 0 है, y का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 4 है, तो ये हमें मिल गया। अभी ये जो कंडीशंस है, जब x का वैल्यू पाई है, x का जगह पे पाई लिखो, y का जगह पे a का वैल्यू 1 हो गया। अभी हमारा इक्वेशंस क्या है, y प्लस 1 इक्वल टू दिस, तो dy/dx क्या मिलेगा, सो dy/dx इक्वल टू दिस, ठीक है, dy/dx इसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव तुम्हें ध्यान में रखना है, क्लियर। सो dy/dx इक्वल टू इज वायर माइनस, यहीं पे एक माइनस होगा, 2 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है। अभी x का जगह पे पाई लिखो, सो दिस इज a प्लस 1 है, तो b का वैल्यू 1 है, तो ये भी 1/1 होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है, ये सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक। ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट अलग कर दिया जस्ट। नाउ ये क्वेश्चंस क्या है, ये भी 20 में पूछा था, द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 1, ठीक है। अभी क्या है, देखो सो दिस इज पासेस थ्रू द पॉइंट, y का टर्म को dy का साथ लिखो, x का टर्म को dx का साथ लिखो, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज x का टर्म को जब आप dx का साथ लिखोगे तुम्हें ये मिलेगा, देखो, ठीक है। अभी इसको इंटीग्रेट कर दिया, सो दिस अभी ये जो कंडीशंस गिवन है, पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 1, इसका मतलब x इज 0 y इज 1, पुट x इज 0 y इक्वल टू 1, सी का वैल्यू दिस, उस पर पुट कर दिया, इस पर पुट कर दिया, सो यू हैव गॉट दिस, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस दिस, ठीक है, क्लियर। इसका जो 4 ऑप्शंस था मैंने नहीं लिखा, सो द सी इज व्हाट, दिस इज द आंसर है। अभी क्या है, देखो ये जो क्वेश्चंस है, ये भी 20 में पूछा था, इफ y/x इज द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इज दिस, ठीक है। इस पर क्या करोगे ना, y का टर्म का dy का साथ लिखना है, x का टर्म dx का साथ लिखना है, log ऑफ y प्लस 2 log c, ये log ऑफ 5 प्लस x, देखो log एलिमेंट हो गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन a कर्व तुम्हें मिल गया। अभी यहीं पे जो कंडीशंस गिवन है, x जब 0 y का वैल्यू 1, x जब 0 y का वैल्यू 1, c इज 18 है, इस पर पुट कर दिया, तुम्हें x जब 13, ठीक है, देन अ वैल्यू ऑफ log 13, ठीक, x जब log 13 है उस टाइम देन y का वैल्यू क्या होगा, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, देन अ वैल्यू ऑफ दिस, तो यहीं पे y का वैल्यू क्या है, -1 मिल गया, देखो, क्लियर। x का जगह पे log 13 पुट कर दिया, सो ये क्या होगा, 13 प्लस 5 18, 18 कैंसिल, ठीक है. सो दैट इज व्हाट वन है तो y प्लस टू इक्वल टू वन, y का वैल्यू क्या है माइनस वन है. सो माय डियर फ्रेंड्स ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस. ये सब आपको समझना पड़ेगा. नाउ आज का जो क्वेश्चन है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट इज 2020 में क्वेश्चन पूछा था. सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस. दिस इज फोर ऑप्शंस इज देयर. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है y प्लस 3x इक्वल टू टी पुट कर दो. देखो y प्लस 3x इक्वल टू टी पुट किया, ये मिला है. सो दिस इज डी वी डी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है. v को डी वी का साथ लिखना है और x को डी एक्स का साथ लिखना है, ये मिला है. अभी लॉग v इक्वल टू टी पुट कर दो 1 बाई वी डी वी. सो टी डी टी टी स्क्वायर बाई टू, इसलिए दिस, ठीक है. अभी ये वैल्यू पुट कर दिया बस और कुछ नहीं किया, ठीक है. सो दिस इज इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लिया. सो दिस यहीं पे ये ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. अभी क्या करना है देखो नेक्स्ट, ए भी 20 में ये क्वेश्चन पूछा था y इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस x बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू. इफ x इज पाई बाई थ्री वाई इक्वल टू जीरो देन x इज पाई बाई फोर, वाई का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. कॉस एक्स डी वाई डी एक्स दिस, ठीक है. कॉस एक्स से डिवाइड कर लो इट इज बाई टू टेन एक्स. सो दैट इज वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स है. अभी y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स. सो दिस सेक एक्स टेन एक्स, सेकेक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेकेक्स है. अभी ये जो कंडीशंस गिवन है एक्स जब पाई बाई थ्री वाई का वैल्यू जीरो है, वाई का वैल्यू जीरो, सी का वैल्यू माइनस फोर. सो लाइक दिस अभी जब एक्स का वैल्यू पाई बाई फोर है से क्लियर सेक्स सेक्स स्क्वायर पाई बाई फोर मीन्स क्या टू है. टू वाई इक्वल टू टू रूट टू माइनस फोर, टू से डिवाइड कर दो. सो दिस इज रूट टू माइनस टू है. सो माय डियर फ्रेंड्स रूट टू माइनस टू मीन्स क्या बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है. अभी क्या है देखो 21 में क्वेश्चन पूछा था y इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस डी वाई डी एक्स प्लस टू वाई टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वाई ऑफ पाई बाई थ्री इक्वल टू जीरो देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस वाई एक्स ओवर आर, ये आपको फाइंड करना है. सो दिस इज ये जो क्वेश्चन है देखो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स. सो दिस, ठीक है, इसके ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है. आई एफ इक्वल टू वाई का जो कोफिशिएंट्स है ई टू दी पावर दिस टू लॉग सेक एक्स. सो दैट इज दिस वाई सेक्स स्क्वायर एक्स, वाई इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स इंटू क्लियर साइन एक्स इंटू. सो दैट इज दिस सेक्स स्क्वायर एक्स. सो सेक एक्स टेन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स है. अभी जब एक्स का वैल्यू पाई बाई थ्री वाई का वैल्यू जीरो है पुट एक्स इज पाई बाई थ्री वाई इज जीरो सी का वैल्यू माइनस टू है. तो ये इक्वेशन सबको मिल गया, ठीक है. अभी y का वैल्यू इस दिस. अभी आपको क्या करना है ना जब इसका मैक्सिमम वैल्यू कॉस एक्स माइनस टू को कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये मिला है. अभी इसको परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस कर लो. सो दैट इज इस दिस. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा ना जब कॉस एक्स आपको वन बाई फोर देगा जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. सो दैट इज 8 है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है. सो दैट इज 8 है. ये आपको समझना पड़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इस टाइप का फंक्शन जब होगा ऐसा करके मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं. अभी देखो ये भी 21 का क्वेश्चन है y इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस डी वाई डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इज लाइंग बिटवीन ऑफ दिस देन वाई ऑफ पाई इक्वल टू जीरो देन y पाई क्लियर जब x का वैल्यू पाई बाई फोर होगा y का वैल्यू फाइंड करना है. देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स सेक एक्स. सो दैट इज टेन एक्स डी एक्स. सो दिस अभी ये जो कंडीशंस गिवन है x जब पाई है y का वैल्यू जीरो है x जब पाई, ठीक है, y का वैल्यू. सो दिस इज x जब पाई है. सो माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे क्या होगा देखो यहीं पे इसका मतलब है एक्स ओ नहीं वो एक्स जब जीरो वाई का वैल्यू जीरो है तो सी का वैल्यू जीरो है. सो दिस इज वाई इंटू सेक एक्स इस ए लाइन को लिख लो. अभी पुट एक्स का वैल्यू जब पाई बाई फोर है एक्स जब पाई बाई फोर है. सो दिस तो वाई का वैल्यू टू रूट टू लॉग टू है. सो माय डियर फ्रेंड्स बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. नाउ अभी ए जो क्वेश्चन है देखो ये भी 21 में पूछा था which of the following is true for yx that satisfies the differential equation dy dx equal to this y0 equal to this dy dx equal to this इसको फैक्टर फाइंड कर लिया. द फैक्टर फाइंड किया. सो दिस इज dy dx by this इसको इंटीग्रेट करो, लॉग ऑफ वाई प्लस वन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस सी है। अभी यहीं पे जो कंडीशंस गिवन है इसका क्या मतलब है, एक्स जब जीरो वाई का वैल्यू जीरो है, ठीक है, एक्स जब जीरो वाई जीरो सी जीरो, तो यहीं पे पुट कर दिया, यहीं पे जब पुट कर दिया सो दिस इज क्लियर, ए मिला है। अभी कंडीशंस क्या है देखो, तुम्हें क्या बोल रहा है, वाई ऑफ वन, वाई ऑफ वन, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू जब वन है, पुट एक्स इज़ वन, सो दिस इज वाई का वैल्यू ए मिल गया, सो दिस इज जब इस पे पुट किया एक्स का वैल्यू वन ए मिल गया। सो माय डियर फ्रेंड्स ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली छोटे मोटे जितना चाहिए एग्जाम्स है सब में ही पूछते हैं। जेईई मेन के लिए प्रिपरेशंस करोगे, छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए और अलग से प्रिपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये 21 में पूछा था वाई इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस, y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो देन y पाई बाई थ्री क्या होगा, तो cos x डी वाई डी एक्स इक्वल टू दिस। देखो ये बड़ा सा जो फंक्शंस है सो लाइक दिस, अभी यहीं पे ऐसा करके लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, साइन टू एक्स बाई टू है, सो दिस इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रल cos टू एक्स बाई फोर है, ठीक है। आई एफ तो मिल गया, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक है। सो अभी क्या होगा देखो, y इंटू, सो ये जो फंक्शंस है y इंटू ई टू दी पावर कॉस टू एक्स बाई फोर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये जो फंक्शंस है इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये आपको देखना है। सो कॉस एक्स इंटू थ्री साइन एक्स अच्छा, ये लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। अभी द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइज द सेटिस्फाइड बाय द सिस्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस। देखो यहीं पे इसको वो ओपन कर लो, देखो एक ही वेरिएबल है, एक बार डिफरेंशिएट करो, ए का वैल्यू फाइंड कर लो, ए का वैल्यू फिर इस पर पुट कर दो, दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वही किया और कुछ नहीं किया। सो दिस इज ये क्या हो गया, सो दैट इज व्हाट ए रिलेशंस मिला है। देखो ए रिलेशंस कहाँ पे है, सी ऑप्शंस में है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तुम्हें देखना है कि वेरिएबल कितना है, वेरिएबल ए और ए स्क्वायर अलग अलग नहीं है, एक ही वेरिएबल है, तो एक बार डिफरेंशिएट करके ए का वैल्यू को फाइंड करके इस पर पुट कर देना है, ये है मेन थिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स ये 47 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस में पूछा गया था 2008 से शुरू करके 2021। ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका अंदर डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इफ़ यू वांट टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन जेईई एग्जाम्स यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स प्रॉपरली। सो माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अपना तकदीर को बदल नहीं सकते हो, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स एज वेल एज all social medias around the world hai. Don't forget to subscribe my channel RACE IIT Mathematics. Thank you very much watching me and listening my word. All the very best for your forthcoming JEE Main exam.